हापुड़ में आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हापुड़ के कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एडीएम न्यायिक ज्योत्सना बंधु व हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने आयुष्मान भव अभियान को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान का शुभारम्भ किया। जनपद हापुड़ में अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से होने जा रही है। एडीएम ने बताया कि आयुष्मान भव के अंतर्गत मुख्य 5 घट निम्न प्रकार हैं। पहला, सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक निरंतर। दूसरा, आयुष्मान कार्ड आपके द्वार 17 सितंबर से। तीसरा, आयुष्मान मेला 17 सितंबर से निरंतर। चौथा, आयुष्मान सभा 2 अक्टूबर को की जाएगी। पांचवी, आयुष्मान ग्राम पंचायत आयुष्मान नगरीय वार्ड सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त HWC PSC CSC जिला अस्पताल में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा। साथ ही रक्तदान के संबंध में प्रेरित किया जाएगा और रक्तदान करने हेतु जनपद में 3 शिविरों का आयोजन 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक जनपद हापुड़ में स्थापित 3 मेडिकल कॉलेजों में किया जा रहा है। बहरहाल, क्या कुछ कहना है एडीएम न्यायिक का, आइए आपको सुनाते हैं। आज की प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है, जैसा कि आप विदित हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा 13 सितंबर को आयुष्मान भव नाम के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 मुख्यतः घटक हैं। तो उन घटक की शुरुआत हम 17 सितंबर से कर रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। तो उन 5 घटकों में कार्य किए जाएंगे। जैसे पहला घटक जो है वो सेवा पखवाड़ा है। तो सेवा पखवाड़ा के तहत हम मेनली जो हमारे जिला अस्पताल हैं CHC PSC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। छोटी मोटी टूट फूट जो होगी उनको सही कराने का काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आम जनमानस है उनसे रक्तदान का अनुरोध किया जाएगा एवं एक प्लेज के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा कि मृत्यु के उपरांत हम जैसे अपने अंग जैसे आँख स्किन या फिर कुछ व्यक्ति अपनी पूरी बॉडी का दान करते हैं तो वो उस प्लेज को लें। दूसरा घटक इसमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0 है, जिसके तहत अब ये सुविधा दे दी गई है कि सेक्स सूची में जिस व्यक्ति का नाम है वो चाहे तो अपना आयुष्मान कार्ड स्वयं बना सकता है, FPS शॉप पे बनाया जा सकता है जनसेवा केंद्र के तहत। इसके अतिरिक्त जिन आयुष्मान कार्ड धारकों के नाम नहीं हैं परंतु जिनके राशन कार्ड की सूची में 6 या 6 से अधिक व्यक्ति हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। तो वो 3.0 का एक मेन घटक है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। जो पहले जन आरोग्य मेला केवल रविवार को लगता था, अब वो उसके अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हर शनिवार को लगेगा, जिसमें अगर विशेषज्ञ के सलाह की आवश्यकता होगी तो वहाँ विशेषज्ञों के लिए भी उनको रेफर किया जाएगा, जो हर रविवार को CHC में देखेंगे। यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेजेस में रूप से हैं तो हर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ वहाँ पर रहेंगे। तो उनके तहत हम ऐसे रोग जिनका इलाज PHC या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नहीं किया जा सकता उनकी सलाह भी वहाँ पर दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त आयुष्मान सभा का आयोजन 2 अक्टूबर को किया जाएगा एवं 5वें घटक के रूप में आयुष्मान ग्राम पंचायत का आयोजन होगा, जिसमें हमारे जो आयुष्मान कार्ड सूची 2021 के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनके आ गए हैं उनका वितरण किया जाएगा।